हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मिलास किचन। आज हाजिर है मेरी एक स्पेशल राइस की रेसिपी लेकर। इसको मैं बोलती हूँ ऑल पर्पस राइस, क्योंकि ये एक राइस हर पर्पस सर्व करता है। ये राइस आप मुगलाई, इंडियन और चाइनीज साइड डिश के साथ सर्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसे वेज बिरयानी के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं जस्ट रायते के साथ। ये रेसिपी मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत ही पॉपुलर है। सभी जानना चाहते थे ये खिले खिले खुशबूदार परफेक्ट राइस का आखिर राज क्या है, कैसे बनाती हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं ऑल पर्पस फ्राइड राइस। ये राइस को फ्लेवर देने के लिए स्पेशल मसाला तैयार करेंगे दोस्तों। देखिए, यहाँ पे एक जायफल के टुकड़े हैं, एक जावित्री के छिलके, एक छोटी चम्मच काली मिर्च, कबाब चीनी 5-6 टुकड़े ले ली है। ये सारे मसाले को बिना भूनकर एक बार दरदरा पीस लेंगे। ठीक है दोस्तों, मसाले को रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मसाले रोस्ट करेंगे तो इसका फ्लेवर लॉस हो जाता है और फ्राइड राइस उतने फ्लेवरफुल नहीं बनते हैं। अब चलिए दोस्तों, फ्राइड राइस के राइस का प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 1 किलो बासमती राइस के लिए 3 लीटर पानी गैस में चढ़ा दिए है, और राइस को परफेक्टली सीजन मतलब नमकीन बनाने के लिए इसमें ढेर सारा नमक डालेंगे। ढेर सारे का मतलब है कि 1 लीटर पानी के लिए 1 बड़ी चम्मच नमक तो होने ही चाहिए, तो 3 लीटर पानी के लिए 3 बड़ी चम्मच नमक डाल रही हूँ। और घबराइएगा नहीं, चावल से जब पानी ड्रेन आउट करेंगे इसका 70% नमक निकल जाएगा, तो चावल बिल्कुल भी ज्यादा नमकीन नहीं होंगे। यहाँ पे हमने 800 ग्राम बासमती चावल ले ली है। चावल को 3-4 बार वॉश करके 30 मिनट के लिए सोक करके रख दी थी, और 30 मिनट बाद पानी को बिल्कुल रिंस थ्रू कर दी हमने एक छन्नी की मदद से। पानी में उबल आ गई है तो अब राइस डालेंगे, एक बार मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा दे हाई फ्लेम में। जब तक ना इसमें उबाल आते हैं तब तक ऐसे ही पकाएंगे दोस्तों। ऐसे 4-5 मिनट लगता है एक फुल उबाल आने के लिए। फ्राइड राइस बनाने के लिए 90% कुक चावल चाहिए होता है दोस्तों, तो अब मैं दिखाऊंगी 90% कुक चावल कैसे बनाते हैं। तो 5-6 मिनट बाद पानी उभर कर आ रही है, तो ढक्कन इसका खोल देते हैं। अब घड़ी देख कर बराबर 3 मिनट पकाएंगे और उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। एक छन्नी ले लीजिए, उसमें सारे चावल डाल दे ताकि पानी छन्नी के मदद से निकल जाए। तो ये देखिए दोस्तों, बन गई मेरी परफेक्ट 90% कुक राइस। ऐसा राइस वेज बिरयानी और फ्राइड राइस के लिए यूज होता है। अब ठंडा पानी से चावल को एक बार रिंस थ्रू कर लीजिए। ठंडा पानी से चावल का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा और ये ओवर कुक नहीं होगा, एकदम परफेक्ट फ्लफी खिला खिला चावल आपको मिल जाएंगे। तो ये है एक ट्रिक जो आपके साथ मैंने शेयर करना चाहती थी। अगर राइस ओवर कुक रहता है तो फ्राइड राइस बनाने के वक्त टूट जाते हैं। अब एक कढ़ाई में घी और तेल मिक्स करके गरम करें। अब इलायची को थोड़ा तोड़ के डालेंगे। इसमें इलायची का जो अरोमा है तेल में बहुत अच्छे से मिक्स होगा। साथ में डालें दालचीनी, तेजपत्ते और लौंग। थोड़ी देर भूनने के बाद काजू ऐड करें और इसको सुनहरा होने तक भून लें। अब बीन्स ऐड करें, स्टर करते रहें। बीन्स पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ढक्कन बंद करें और 2 मिनट के लिए धीमे आंच में इसको पकने दें। उसके बाद ढक्कन खोल के पकाइए जब तक बीन्स से पानी ड्राई आउट हो जाए। अब डालें नमक और श्रेडेड गाजर। सब्जी का अमाउंट चावल का हाफ होना चाहिए, मतलब चावल अगर 800 ग्राम का हो तो सब्जी 400 ग्राम तक रखें, तो ही अच्छा टेस्ट आएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा, टेक्सचर बहुत अच्छी आएगी। 2 मिनट तक पकाइए। साथ में डालें किशमिश, जिंजर पेस्ट एक बार मिला लीजिए, थोड़ी सी चीनी, और हमने जो फ्राइड राइस का मसाला बनाए थे वो अभी इसमें डाल देंगे। 3-4 हरी मिर्च ऐसे बीच से कटे हुए, और 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, और उसके बाद डाल देंगे हमारे पके हुए चावल। और इसी मोमेंट में गैस ऑफ कर दे। अब हल्के हाथों से चावल को सब्जी के साथ मिक्स करते रहे दोस्तों। अब इसको फ्राई नहीं करेंगे, बस इसको मिला रहे हैं। मिलाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, आगे देखिए। यहाँ पे गुनगुना मिल्क है, इसमें केसर का रंग, 2-3 बूंद रोज वाटर और केवड़ा डालकर मिला ले। तो इसमें घी भी जाएगा तो घी भी डाल दे। बस ये खुशबूदार मिल्क जाएगा चावल के ऊपर ऐसे घुमा के। अब ढक्कन बंद करें और 6-8 मिनट के लिए धीमी आंच में दम पे पकाएं। और ये दम देने के लिए चावल, सब्जियां और जो सेंटेड मिल्क डाले थे एक सख्त फ्लेवर एक्सचेंज करेगा और एक कंप्लीट फ्लेवरफुल राइस आपको मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ढक्कन हमने निकाल दिया है और राइस कितने परफेक्ट खिले खिले दिख रहे हैं दोस्तों। राइस जो है वो भी 90 डिग्री में स्टैंड कर रहा है, दैट मीन्स ये बराबर पक के रेडी हो गए हैं।
ये बंगाली स्टाइल फ्राइड राइस है दोस्तों, और इसमें मेरा खुद का स्टाइल भी मिला दी है जो बहुत ही इजी और सिंपल है। अब इसे कोई भी रायता, सब्जी और ग्रेवी के साथ सर्व कर सकते हैं। मुझे ये दम आलू के साथ बहुत ही पसंद है। आपको तो लाइफ में एक बार ये जरूर ट्राई करना चाहिए। आपके फ्रेंड्स फैमिली खाकर बहुत खुश होंगे और वो लोग कन्फ्यूज रहेंगे कि ये वाकई फ्राइड राइस है और बिरयानी है। तो दोस्तों आप जरूर ये रेसिपी ट्राई करें और जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।